हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, मुझे पता है ये वीडियो पूरे 331 दिन और 20 घंटे बाद आ रही है, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अंदर से बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिल रही थी वीडियो बनाने की। थैंक्स टू माय फ्रेंड जिसने अभी आज ही मुझे इतनी मोटिवेट कर दिया यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ मैं कि आप अपने ओल्ड पीसी में कैसे क्रोम ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे नई लाइफ दे सकते हैं। और सबसे पहले मैं अपने पीसी की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। मेरे पे 2 GB रैम, प्रेंटियम ड्यूअल कोर प्रोसेसर है और इससे ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं उसमें। तो सीधा मैं मिलता हूँ आपको वीडियो में। जैसा आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आ रही होगी, तो सबसे पहले मैं क्रोम खोल लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ लिख देते हैं क्रोम रिकवरी यूटिलिटी रिकवरी और यहाँ एंटर मार देता हूँ। यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दिया, देखिए पेज लोड हो चुका है। यहाँ पे देखिए आ गया है क्रोम बुक रिकवरी यूटिलिटी, ऐड टू क्रोम कर लेंगे और इसके बाद ऐड एक्सटेंशन कर लेंगे। देखिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा ऐड होने में। जैसा आप देख सकते हैं नीचे डाउनलोड हो रहा है, वो ये थोड़ा टाइम लेता ही है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे उसमें हो चुका है एक्सटेंशन में ऐड। सिंपली मैं एक्सटेंशन में जाऊंगा और इसे ओपन कर लूँगा और यहाँ पे देखिए एक न्यू टैब ओपन हो चुकी है। यहाँ हमें अपने आप पेन ड्राइव लगानी है, मिनिमम 8 GB होनी चाहिए, तो मैंने लगा लिया है यहाँ 32 GB के। यहाँ पे सिलेक्ट मैन्युअली कर लेते हैं और सबसे पहले ऊपर जाके हम यहाँ क्रोम सर्च करेंगे। क्रोम ये देखिए जैसे ये रहा ना, गूगल क्रोम ओएस फ्लेक्स पे क्लिक कर देंगे। हम यहाँ से दोबारा से फ्लेक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पे वो ड्राइव सेलेक्ट करने का बोल रहा है, मेरी क्रूजल ब्रेड है 29 GB दिखा रहा है और सिंपली यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं अब ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं जैसे आप देख सकते हैं बस कंप्लीट होने वाला है। तो अब मैं आपको कंप्यूटर पे ले चलता हूँ अपने। तो जैसे मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, मेरे पीसी में कोई भी वो नहीं पड़ा है विंडो, मेरे पीसी डेड हो रखा है। अभी दिखा देता हूँ मैं कैमरा एंगल ऊपर करके थोड़ा कि क्या लिखा रहा है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम वाजंट फाउंड, ट्राई डिसकनेक्टिंग एनी ड्राइव दैट डजंट कंटेन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेस कंट्रोल ऑन। तो अब मैं पेन ड्राइव लगा के प्रेस कंट्रोल और डिलीट दबा देता हूँ। जैसे मैंने दबा दिया तो अब मेरा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है और आपको अब बूट की दबानी है। फिर जैसे मैं डेल का है तो F9 दबा रहा हूँ, तो मेरा बूट मेन्यू खुल चुका है। आप अब मैं नीचे सैंड डिस्क पे क्लिक कर लेता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ। जैसे देख सकते हैं और यहाँ पे ये देखिए क्रोम ओएस फ्लेक्स का लोगो आ चुका है। ये थोड़ा टाइम लेगा तो मैं अभी इसे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे खुल चुका है सब। जो ये पॉपअप आया सबसे पहले इसे मैं डन अलाउ कर देता हूँ, नो कर देता हूँ, मतलब डन अलाउ देखिए नो कर दिया है। अब सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगा कि इसे ट्राई कर लीजिए बिना इंस्टॉल करें कि आपके पीसी पे कंपेटेबल है या नहीं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके वाईफाई से कनेक्ट हो जाता हूँ। तो मैं वाईफाई का पासवर्ड डाल देता हूँ। तो जैसे देखिए ये देखिए अब यहाँ पे देखिए आ चुका है।
तो मैं यहाँ पे से अभी ब्लू पर क्लिक करता हूँ एक्सेस पे, सिंपली देख सकते हैं आ चुका है। तो मैं आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ, फिर आई एग्री, ये थोड़ी सी और लोडिंग ले रहा है। जैसा आप देख सकते हैं वॉइस मैसेज रेडी। तो यहाँ पे मैं डन अलाउ अभी मे बी लेटर कर देते हैं, और यहाँ हम देखिए आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पे। ये हमारा क्रोम ओएस अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, बस ये ट्राई के लिए है, अभी हमें इसको इंस्टॉल करना है। पहले आपको दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आ गए हम, ये देखिए वाईफाई है, यहाँ हॉटस्पॉट है, ये देखिए आवाज़ कम ज़्यादा करने का है, और ये समहाउ अभी मेरे इसमें वर्क कर नहीं रहा है। तो अब देखते हैं, और ये हम यहाँ ड्राइव खोल लेते हैं। अभी ये ड्राइव में कुछ नहीं दिखाएगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं, एम्प्टी पड़ी है। अब यहाँ पे मैं 3 डॉट्स पे क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं, 3 डॉट पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्टोरेज दिखा रहा है 3 GB, पता नहीं 32 GB। तो अब सिंपली से कट करते हैं और लॉग आउट कर देते हैं यहाँ से, कट हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं और साइन आउट कर देते हैं इसे, अब देखिए साइन आउट हो रहा है। अभी साइन आउट होने के बाद देखिए यहाँ नीचे की साइड एक राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे सॉरी, यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल क्रोम ओएस, सबसे आखिरी वाला है वो इंस्टॉल क्रोम ओएस फ्लेक्स, इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखें इंस्टॉल क्रोम ओएस फ्लेक्स, और इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ ब्लू बटन पे क्लिक कर देते हैं। देखें यहाँ पे दोबारा से इंस्टॉल का आ गया, ये बता रहे कि सारे डेटा उड़ जाएगा, तो आप इस सबसे पहले रिकवरी कर ले अपने डेटा के। यहाँ देखिए ये फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने, ये सब इंस्टॉल हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइम लेता है, मेरे में 20-25 मिनट लिए थे इसने। अब डिपेंडिंग अपॉन योर पीसी स्पेसिफिकेशंस कितना टाइम लेगा ये। तो देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए यहाँ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, अभी खुद ये शट डाउन हो जाएगा 51 सेकेंड्स में। अपने आप देखिए रिबूट हो चुका है। अब आपको अपनी पेन ड्राइव हटा लेनी है, ऐसे आप पेन ड्राइव हटा लेंगे तो ये क्रोम ओएस में हो जाएगा बूट, और ये फर्स्ट बूट है तो टाइम ले रहा है, इसीलिए ऐसे देख सकते हैं ये खुल रहा है हमारा। अब ये देखिए दोबारा से सेम वैसे हमें सेटअप करना पड़ेगा, तो अब मैं आपको इसको सेटअप करने के बाद मिलता हूँ। डेस्कटॉप ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रहे ड्राइव ड्राइव। अब मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैसेज भी आया कोई नोटिफिकेशन। अब मैं सबसे पहले क्रोम नहीं खोलता हूँ, सबसे पहले तो इसमें दिखा देता हूँ हम क्या क्या कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम यहाँ वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, ये सब छोड़ देते हैं, अभी क्रोम खोलते हैं सबसे पहले। यहाँ देखिए क्रोम ओपन न्यू टैब पे क्लिक करके अब यहाँ हम यूट्यूब सर्च करते हैं, और यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, यहाँ यूट्यूब पे पहले लिंक पे क्लिक कर देते हैं, और इसे बड़ा कर देते हैं, ऐड अलग बड़ा कर दिया है। देखिए मेरे कंप्यूटर में 2 GB रैम है, तब भी कितना फ्लॉलेसली चल रहा है, तो बस मेरा यहाँ नेटवर्क इशू है, तो इसलिए धीरे चल रहा है। देखिए लोड हो चुका है, अब सबसे पहले मैं इसे कट कर देता हूँ, और इसमें एक इनबिल्ट यूट्यूब ऐप भी है, तो वो भी खोल के चेक कर लेते हैं जैसे ये है। तो अगर आपको ये फ्लेक्स ओएस का रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। तो जैसे अब मैं यहाँ अपना चैनल ही खोल लेता हूँ, योर चैनल अलाउ कर देते हैं इसे। अब मेरा चैनल खुल ही चुका है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।